हूँ आपके साथ मीखा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड। किसी ने सच ही कहा है, वक्त अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ता रहता है, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ अगर दो क्षण बैठकर किसी किस्से के बारे में, किसी कहानी के बारे में, किसी सितारे के बारे में सोचें, तो उससे जुड़ी कई कहानियां जहन में पिक्चर की तरह चल पड़ती हैं। और हमारे प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपको ऐसे ही किस्सों से रूबरू करवाते हैं। आज इस सीक्वेंस में, इस गुजरे हुए दौर के सीक्वेंस में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हाफ सेंचुरी बिग बी पूरे कर चुके हैं। 50 साल हिंदी सिनेमा को बिग बी ने दिए हैं और एक से बढ़कर एक किरदार फिल्मी पर्दे पर अदा किए हैं। खास बात यह है कि यह सफर अब भी जारी है। ब्रेक लगी है क्योंकि बिग बी की हालत थोड़ी खराब है और महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले चुके हैं। अपनी बेटी श्वेता, बेटे अभिषेक, पत्नी जया के कहने पर डॉक्टर्स की सलाह मानते हुए बिग बी ने थोड़े टाइम बेड रेस्ट करने का मन बना लिया है। आज फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपको उस दौर पर लेकर चलेंगे जहां बाल ठाकरे को लेकर बिग बी ने अपने इंटरव्यू में कई तरह की बातें कही। बाल ठाकरे को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय जनता के सामने रखा। एक इंटरव्यू है बिग बी का, इंटरव्यू को दिए सालों बीत चुके हैं, तो फ्लैशबैक बॉलीवुड में महानायक अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े दर्द पर नजर डालते हैं कि वो दर्द अपने आप में क्या कहता है। देखिए जरा।
देखा आपने किस तरह से बिग बी बताते हैं कि वो दौर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता, और बिग बी के फैंस भी उस क्षण को याद नहीं करना चाहते जब ज्यादातर लोगों ने सोच लिया था कि शायद अब हमने बिग बी को खो दिया है। आगे बढ़ते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल की सैर पर हम आपको लेकर चलेंगे। बिग बी फिलहाल ट्विटर पर और इंस्टा पर कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर, कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के रिश्तों को लेकर। वो तस्वीरें क्या कहती हैं देखिए जरा। खैर, महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्नों को आगे की तरफ पलटे या पीछे की तरफ उल्टे, हर पन्ने पर एक दिलचस्प कहानी लिखी है और वो कहानियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।